Good morning, dear students and all respected parents. Hope you all are well at home and doing your work regularly and properly. So, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रिविजन चल रहा है. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर नंबर 2 ऑफ हनी स्कल रीडर बुक. द चैप्टर नेम इज हाउ द डॉग फाउंड सेल्फ अ न्यू मास्टर. हम जो हमारा सेकेंड चैप्टर है हनी स्कल बुक रीडर की बुक का, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और विद वर्ड मीनिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसको याद करेंगे. तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं बेटा. देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग में नंबर 1 है इल प्लेस्ड. इल प्लेस्ड का मतलब होता है नॉट हैप्पी, जो कि खुश नहीं हो. नेक्स्ट है किन्समैन. किन्समैन का मतलब होता है ए रिलेटिव, किसी का एक संबंधी, जानकार. टेक अप सर्विस विद का मत मीन्स होता है बेटा बिकम द सर्वेंट ऑफ, किसी का सेवक बनना, किसी की सेवा करने के लिए उसकी सर्विस को अपनाना, यानी किसी का सेवक बनना. डार्टेड सडनली, अचानक से. कम ओवर यू, कम ओवर का मीन्स होता है इफेक्टेड यू, प्रभावित करना. नेक्स्ट डेयर्ड. डेयर्ड का मीनिंग आपको पता भी है, साहस होता है, या टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए हमारे अंदर जो साहस आता है उसको बोला जाता है डेयर्ड, हिम्मत. नेक्स्ट है लास्ट क्लिफ. क्लिफ का मीन्स क्या होता है, चट्टान होता है, यानी हाई रॉक, एक बहुत ही ऊंची चट्टान को हम बोलते हैं क्लिफ. तो बेटा आपने जैसे चैप्टर पढ़ा था कि पहले जो सभी जानवर थे वो जंगली थे, लेकिन मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया, उन जानवरों को क्या करना शुरू कर दिया था, पालतू बनाना शुरू कर दिया था. तो जो डॉग था वो अपनी इस लाइफ से कि सिर्फ भोजन की तलाश करना और जंगली अपने से स्ट्रोंग जानवरों से बचकर रहना, यही ऐसे ही लाइफ स्टाइल को जी जी कर वो इससे बोर हो चुका था. वो चाहता था कि उसका कोई मास्टर हो, मालिक हो, जो को जिसकी साथ रहकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके. तो इसीलिए वो अपने मास्टर की खोज में निकल पड़ता है बेटा. और सबसे पहले वो मिलता है एक अपने ही रिलेटिव से, किन्समैन यानी रिलेटिव से, जो कि कौन होता है, एक वॉल्फ होता है, एक भेड़िया होता है, वो भी डॉग की तरह ही दिखता है बिल्कुल. तो वो उससे मिलता है और उसकी सर्विस करने के लिए उसको एग्री कर लेता है, मनवा लेता है और दोनों साथ साथ रहते हैं, चलते हैं. लेकिन जैसे ही वॉल्फ और डॉग आगे रास्ते में जाते हैं तो धीरे धीरे जो वॉल्फ है वो अपनी नाक को, जो अपनी नोज है, उसे जमीन पर रखता है और कुछ सूंघता है और घने जंगल में अंदर दौड़ने लगता है, और डॉग भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है. जब डॉग पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वॉल्फ बताता है कि जब वो बाहर जंगल के बाहरी रास्ते पर थे तो उन्हें कौन आता दिखा, एक रीछ आता दिखा, और उस रीछ की गंध से वो वहां से भाग गए. तो तब डॉग ने पाया कि वॉल्फ यानी भेड़िए से ज्यादा स्ट्रोंगर कौन है, बियर है, भालू है. तो उसने तभी से वॉल्फ को अलविदा कह दिया और वो किसके लिए चल पड़ा, वो बियर का सर्वेंट बनने चल पड़ा. और बियर ने भी इस चीज को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट किया. उसके बाद जो डॉग था वो बियर का सर्वेंट बन गया, दोनों साथ साथ रहने लगे. और तब बियर ने कहा चलो हम क्या करते हैं, गायों के झुंड में चलते हैं, वहां एक गाय का शिकार करेंगे और दोनों खाएंगे. और जैसे ही जो बियर और डॉग है वो झुंड के पास आते हैं गायों के, तभी उन्हें एक दहाड़ सुनाई देती है. दहाड़ सुनते ही सारी गायें डर के मारे इधर उधर दौड़ना शुरू कर देती है और जो बियर है वो भी घने जंगल में अंदर दौड़ना शुरू कर देता है. तब डॉग पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, तब डॉग को जो बियर है वो बताता है क्या तुमने सुना नहीं कि ये दहाड़ किसकी है, शेर की, और शेर इस जंगल का क्या है, राजा है, और इसीलिए हमें भी यहाँ चलेंगे तो हमारी भलाई होगी, हम भी यहाँ से निकल चलते हैं. तब डॉग ने जो बियर था उसको अलविदा कहा, गुड बाय कहा, और क्या कहा कि मैं तो इस पृथ्वी पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्राणी है, एनिमल है, उसका सर्वेंट बनूंगा. और वो शेर के पास चला जाता है. काफी लंबे समय तक वो शेर के साथ रहता है, शेर का नौकर बना रहता है, उसकी सेवा करता है, और बहुत अच्छे से उसकी लाइफ गुजर रही होती है. ना उसे किसी का डर होता है, ना कोई उसको उसके ऊपर वार कर सकता है, हंसी खुशी बीतता रहता है जीवन. तो एक बार क्या होता है, एक हाई क्लिफ, एक ऊंची रोक पर जब लॉयन और डॉग दोनों जा रहे होते हैं, तो तभी जो लॉयन है वो अपनी नाक से कुछ सूंघता है और वहां से दौड़ने लग जाता है. तो जो डॉग है वो उससे पूछता है लॉयन से कि भाई मालिक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. तब लॉयन बताता है कि भाई अभी मैंने यहाँ से किसी मानव की जो गंध है, स्मेल है, उसको सूंघा है, और
यहाँ से निकलने में हमारी भलाई है। और तब जो डॉग है ये पाता है कि इस धरती पर सबसे स्ट्रोंगर कौन है, भाई जो लोयन भी उससे डर रहा है तो वो है मैन। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लोयन को छोड़ देगा और किसका सर्वेंट बन जाएगा, मैन का। और तब से आज तक आपने देखा है सभी लोग क्या किसको पालतू बनाते हैं, भाई डॉग किसका पालतू होता है, मैन का पालतू होता है। तो ये स्टोरी थी हमारी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, डॉग को क्यों आवश्यकता लगती है एक मालिक की, क्यों वह महसूस करता है उसे एक मालिक की जरूरत है। तो आंसर देखिए, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर ए मास्टर बिकॉज ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट अलोन लुकिंग फॉर फूड एंड अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम। तो देखिए डॉग को महसूस होता है एक मालिक की जरूरत बिकॉज, क्योंकि ही वॉज, वह था सिक, भाई उसे पसंद नहीं था, टायर्ड, थक चुका था, ऑफ वंडरिंग, घूमते घूमते, अबाउट अलोन, बिल्कुल अकेला, लुकिंग फॉर फूड, किसकी खोज में घूमता रहता था, भोजन की खोज में घूमता रहता था, और अफ्रेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, और उन जानवरों से डरता था जो कि उससे स्ट्रोंग थे। तो अपने जीवन के इस लाइफ स्टाइल से वो ऊब चुका था, इसलिए वो एक मास्टर चाहता था। वह अकेला भटकता रहता था और भोजन की तलाश करता था और अपने से स्ट्रोंग जानवरों से अपने आप को बचाता था। तो ये लाइफ स्टाइल उसको पसंद नहीं था, इसीलिए उसे आवश्यकता महसूस हुई एक मालिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, पहले सबसे पहले उसने किसको अपना मास्टर चूज किया और उस मास्टर को उसने क्यों छोड़ दिया। तो आपने अभी स्टोरी समझी है, तो सबसे पहले उसको कौन मास्टर मिला था, फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेड ए वॉल्फ एज हिज मास्टर, सबसे पहले उसने एक भेड़िए को अपना मास्टर मालिक बनाया, ही लेफ्ट दैट मास्टर बिकॉज वॉल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, और उसने वो जो वॉल्फ था उसको छोड़ दिया क्योंकि जो वॉल्फ थे वो बियर से डरते हैं। तो उसने वॉल्फ को छोड़ दिया और किसको अपना मालिक बना लिया, एक भालू को, बियर को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने नेक्स्ट यानी जो वॉल्फ था, वॉल्फ से नेक्स्ट किसको चूज किया अपने मालिक के रूप में। तो देखिए, ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, उसने बियर को अपने नए मालिक के रूप में चुनाव किया, उसको ऐसे एज ए मास्टर चूज किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, व्हाई डिड ही सर्व द लोयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वो एक लोयन का सेवक क्यों बना रहा। तो देखिए, डू डॉग थॉट दैट द लोयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन अदर एनिमल्स, नाउ ही वॉज सेफ एंड हैप्पी इन द फॉरेस्ट। देखिए डॉग ने सोचा कि दैट की द लोयन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, की जो शेर है वो सबसे शक्तिशाली है, देन अदर एनिमल, दूसरे सभी जानवरों से, नाउ ही वो सेफ, और अब जो डॉग था वो सुरक्षित था, हैप्पी, खुश था इस जंगल में, सो ही सर्व द लोयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसलिए उसने लोयन की लंबे समय तक सेवा की। और लास्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई, उसने फाइनली किसको अपना मास्टर चुना और क्यों। देखिए, ही फाइनली चूज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज मैन वॉज द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर अमंगस्ट ऑल। देखिए ये बता रहा है अंत में, सबसे फाइनली डॉग ने आदमी को अपना मास्टर चुना क्योंकि उसने पाया कि जो मैन है वो इस पृथ्वी पर सभी से ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट है, यानी जितने भी क्रिएचर हैं इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट कौन है, बुद्धिमान, वैसे भी मजबूत और हर चीज तरीके से सबसे स्ट्रोंगेस्ट कौन है, मैन है। तो इसलिए उसने किसको चूज किया, मैन को चूज किया अपना मास्टर फाइनली। होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी बच्चे घर पर इनको लर्न करेंगे और फिर रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करने के बाद लिखकर इन क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग को याद करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।